हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग सुबह सुबह ही पतंगबाजी करने वाले हैं। ये देखिए, ये रही हमारी पतंग और कुछ ये ब्लैक कलर का मंजा लगा हुआ है चरखी पे। तो भाई हम पतंग पार करा लेते हैं। अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर से कहीं ना कहीं पतंगबाजी करते ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन भाई कुछ तो कीजिए, या फिर कमेंट भी आप कर सकते हैं आपको जैसा लगे। भाई से होगा क्या कि मुझे पता चलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो प्लीज़ यार, ज़रूर से उधर पे छूइए, मतलब उंगली कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो ये रही पतंग, हम जल्दी इस पार कराते हैं और इसे पेचों पर पहुँचा के दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि भाई हम सुबह सुबह ही पतंग लड़ा रहे हैं। वो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो भाई आप लोगों को ऐसी ही पतंगबाजी की वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला पेच आ चुका है यहाँ पर। दोस्तों, आप वीडियो को 720p पर देखिए और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोगों को क्लियर पेच दिखाई देंगे। ये देखिए, जो नीचे से पतंग आई है ये हमारी है और ऊपर से बंदा पतंग रखता हुआ। तो ये देखिए भाई, पेच फिर चुका है, हमारी पतंगें ऊपर नीचे आ गई हैं। ये देखिए, अपन भाई अंदर भर रहा है और ये हमने अपनी पतंग उठा कर के दी और चक्करों पे दे दी है। अपोनेंट ने भी चक्कर लगा रखे हैं, उसके भी चक्कर सही हैं, मेरे भी चक्कर सही हैं, लेकिन अपोनेंट ने चक्कर हटा लिए। फिर से देखिए, हमने अपनी पतंग बचा ली है और फिर से अब उठा करके देंगे थोड़ा सा भर के। ये देखिए, अपोनेंट ने पतंग हटाई, हमने पेच दोबारा से लिया और ये देखिए पतंग अपोनेंट अंदर लाता हुआ, और मैंने खड़ी खींची थोड़ा सा, फिर रोकी, फिर चक्कर दिए। और ये देखिए, अपोनेंट ने जैसे ही पतंग दी मैंने उठा करके चक्कर दिए, और ये देखिए दूसरे चक्कर में भाई अपोनेंट की पतंग कट के दूर हो गई। तो भाई पहला पेच हमने काट दिया है और इस पतंग को फंसाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, शायद से फंस जाए, लिपट जाए। देखिए, हमने काफ़ी डोरों से पतंग काटी थी, इसलिए हम पतंग के नीचे काफ़ी देर से चक्कर दे रहे हैं। शायद से डोर फंस गई है, क्योंकि जो हम चक्कर दे रहे हैं वो थोड़ा सा भारी हो गए हैं। मतलब जब डोर फंस जाती तो हमारे हाथ से चक्कर थोड़ा वजनदार हो जाते हैं। ये देखिए, डोर फंसी लेकिन पतंग उसकी रुक नहीं रही, इस वजह से देखिए कहीं मेरी पतंग ना चली जाए नीचे। तो भाई उठा लिया। ये देखिए, उठाते वक्त हमारी पतंग ख़राब हो गई, लगता है भाई मेरी पतंग फट गई है। तो फटाफट से उतार लेते हैं और इसको सही करके फिर से पार कराते हैं पेचों पर। और आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, हमारी पतंग फटी नहीं है, बल्कि उस पतंग का इस पर मंझा आ गया है और ज़्यादा चक्कर देने की वजह से वो पतंग कट के निकल गई है। अभी पतंग पास आई है तो मुझे काफ़ी सारा नीचे लटकता हुआ मंझा दिखाई दिया। देखिए, हम खींच करके आप लोग दिखाते हैं कुछ। ये देखिए, ये हमारी पतंग आ गई हमारे हाथ पे और देखने, ये देखिए, ये भाई ये रेड कलर में नहीं, ऑरेंज कलर में भाई कुछ एक्स्ट्रा मंझा जो ये देखिए कन्नों पे फंस गया है। खींचते हैं इसको, जो बाकी का आ रहा है ये देखिए थोड़ा फंसा फंसा सा। ये देखिए, पतंग उतारते वक्त घूम रही थी तो काफ़ी सारा गांठियों में हो गया है, उलझ सा गया, ये देखिए। तो भाई जल्दी जैसे उसको हटा लेते हैं और फिर से पतंग पार करा के नया पेच आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसको ये पतंग से हटा देते हैं। तो दोस्तों, वो सब हमने हटा दिया और हमारा नेक्स्ट पेच आ चुका है। और ये देखिए, हम फिर से नीचे से ही लड़ाएंगे और अपोनेंट सेम ही है और ऊपर से आया हुआ है। हम राइट साइड से उड़ा रहे हैं और अपोनेंट लेफ्ट साइड से, और ऊपर से अपोनेंट भरता हुआ। ये देखिए, हमने भी काफ़ी भर लिया है। ये देखिए, हमने और भरा और अपोनेंट मुड्ढा जो है नहीं दे रहा है, बस पतंग लगाए हुए है ऊपर। जब तक यार मुड्ढा नहीं देगा, ये देखिए मुड्ढा ये दे नहीं रहा है और पतंग पार कराने की कोशिश कर रहा है अपोनेंट साइड से। तो भाई ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं तो भाई सबर नहीं होता है। अभी देखो क्या करते हैं हम इसके साथ। ये देखिए, अपोनेंट ने भर्रा छोड़ा, उस वो हमें चकमा दे रहा है, लेकिन हमने खींच ली भाई इसी पर। पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ से डोर छूट गई या पतंग ही टूट गई, लेकिन भाई हमने खींच ली है और पतंग काट दी है पूरी सीधी खींच करके। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, फिर से भाई एक पेच आ चुका है हमारा, और राइट साइड वाली पतंग हमारी, लेफ्ट साइड वाली अपोनेंट की। अभी हम नीचे से भरेंगे क्योंकि अपोनेंट थोड़ा पीछे से आया हुआ है पतंग पार करा करके। तो ये देखिए, अपोनेंट की साइड से वाली पतंग थोड़ी ख़राब है और हम देखिए नीचे से भरने की कोशिश करते हुए, और अपोनेंट ऊपर से आ रहा है। ये देखिए, हम धीरे धीरे पतंग नीचे ले आए अपोनेंट की पतंग के, फेर दी हमने पतंग और अभी अपोनेंट आएगा ऊपर से। ये देखिए, अपोनेंट चक्कर दे रहा है
अपोनेंट के चक्कर थोड़े गलत हुए और भाई मैंने फिर से थोड़ा सा पतंग फेरा अंदर। ये देखिए चक्करों पे रखे अपोनेंट, जैसे ही अपोनेंट ने मारा मैंने खींचा और भाई देखिए अपोनेंट ने एंड टाइम पे अंदर का रुख दिखा दिया और मेरी पतंग काट दी। भाई ये होता है असली पेच, अपोनेंट ने बहुत टाइमिंग के साथ खींचा। तो अभी हम ये वाली पतंग पार करा रहे हैं, भाई काफ़ी कलरफुल पतंग है तो जल्दी से इसे पार कराते हैं यही ब्लैक वाले मंजे से, क्योंकि भाई मेरी पतंग जो अभी कटी वो लगभग कन्ने पर से ही कटी, अपोनेंट ने अंदर दिखा दिया अचानक से, तो काफ़ी मंजा आ गया। तो मंजा नया नहीं लगाएंगे, यही वाला पार कराते हैं जल्दी से, आपको पतंग पार कराते हैं और पेचों पे ले जा करके फिर से दिखाते हैं। तो भाई काफ़ी कलरफुल पतंग है, आप लोग बताइए आप लोगों को ये पतंग कैसी लगी। और भाई ये जो मेरे वीडियो परमानेंट देखता होगा उसे मालूम होगा ये पतंग हमें कहाँ से मिली थी। तो भाई चलो पेच पर दिखाते हैं डायरेक्ट। तो ये देखिए दोस्तों फिर से हमारा पेच आ चुका है, ये जो स्क्रीन पे पतंग दिख रही मेरी है और अपोनेंट की पतंग ऊपर लगी हुई है आसमान में। ये देखिए अपोनेंट आया, अपोनेंट ने पतंग पटक दी है दोस्तों। ये देखिए अपोनेंट ऊपर चक्कर दे रहा है और ये देखिए अपोनेंट ने रखी, अपोनेंट की पतंग जो है अंदर के मुड्ढे पर घूम रही है ज़्यादा, इस वजह से हम अपनी पतंग बचाते हुए थोड़ा बाहर खींचा और ये देखिए हमने चक्करों पे ले ली। भाई जैसे उसने खींचा मुझे पता था कि इसकी पतंग थोड़ा अंदर आएगी, हमने चक्करों पे ले ली और उसने गद्दा मारा लेकिन भाई वो कट गया। तो देखते हैं भाई नया पतंग वो छोड़ता है या नहीं, कट चुका है फिलहाल। तो ये देखिए दोस्तों फिर से उसने एक पतंग छोड़ दिया है और ये वाला पेच फिर चुका है, जो नीचे से पतंग लड़ रही वो मेरी है और ऊपर से अपोनेंट ने गद्दा मारा मारा मारा। ये देखिए हमने पतंग बचा ली अपनी, पूरी ज़मीन में घुसा दी फिर से निकाली, लेकिन भाई अपोनेंट अंदर के हाथ भरता जा रहा, तो यहाँ हम अपनी पतंग बचा रहे और हमने अपनी पतंग पूरी नीचे झुका दी थी और ये देखिए अपोनेंट ने हटा लिया, मेरी पतंग बच चुकी है। और मेरी पतंग भी दोस्तों थोड़ा सा पार थी ये वाली, तो जल्दी से इसको कम करते हैं और पेच पे दोबारा से पतंग अपोनेंट रखे उससे पहले जल्दी से पेच के लिए तैयार कर लेते हैं अपनी पतंग को। ये देखिए अपोनेंट ने भी थोड़ी पतंग और पार करा ली है दोस्तों। और ये देखिए इस बार मैं पतंग काफ़ी ज़्यादा चला रहा हूँ ताकि उसे मौका ना मिले, और अपोनेंट भी इस बार भाई बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ लड़ा रहा है। देखिए केवल अंदर का ही मुड्ढा दिखा रहा है, टोटल भाई अंदर के ही मुड्ढे पर पतंग उतार रहा है। ये देखिए चक्करों पे दी अपोनेंट ने, मैंने भी थोड़ा चक्करों पे ली, जैसे अपोनेंट ने अंदर दिखाया मैंने थोड़ा नीचे ली पतंग और यहाँ पर थोड़ा बाहर को खींचने की कोशिश की मैंने तेज़ी के साथ, लेकिन भाई अपोनेंट ने चक्कर दे दिए, वहीं पर पतंग फंसा गया पेच, तो ढीलम ढील चल रही है, पेच फंसा हुआ है, दोनों लोग ढील दे रहे हैं। ये देखिए ढीलम ढील चल रही और मैंने अपनी पतंग थोड़ा नीचे बिठा लिया और शायद से पेच निकल गया दोस्तों, यहाँ पर पेच निकल गया, हमने अपनी पतंग बाहर कर ली है और अपोनेंट अब उठा रहा है पतंग, फिर से हम भरेंगे और नया पेच बनाएंगे। ये देखिए अपोनेंट ने भाई पतंग भरनी शुरू कर दी है, मैंने भी थोड़ा सा अंदर लिया पेच। तो ये देखिए भाई चक्कर अपोनेंट की पतंग के और मेरी पतंग के कितने तगड़े चक्कर चल रहे हैं, भाई काफ़ी हवा अच्छी चल रही है। ये देखिए मैंने भर लिया काफ़ी इस बार और अपोनेंट ने पतंग कम कर ली है थोड़ी सी। ये देखिए मैं बाहर निकल रहा था, अपोनेंट ने फिर पतंग अंदर दिखाई, फिर मैंने हल्की उठाई और अपोनेंट गिरता हुआ लाया, यहीं रोका, फिर से मैंने दौड़ाया अपोनेंट की पतंग को, लेकिन भाई इस बार वो बहुत तेज़ी के साथ खींच रहा है। यार ये वाला पेच काफ़ी लंबा हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है ये, ना ये हमें मौका दे रहा ना ही हम इसे मौका देना चाह रहे हैं, बिल्कुल से भाई मौका नहीं छोड़ रहा है और ना ही हम इसको दे रहे हैं मौका, काफ़ी लंबा पेच हो चुका है। तो भाई जो भी काफ़ी पतंगबाजी करते हैं भाई वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, काफ़ी मौका देख करके ही पेच लड़ाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जल्दबाजी में आपकी पतंग कट सकती है। ये देखिए अपोनेंट ने रखा चक्करों में, भाई इस बार मैंने खींच लिया, ज़्यादा टाइम लगाते तो यही होता है, कहीं ना कहीं मौका छूटता है, वहीं पर अपोनेंट खींच सकता है। ये पेज भी भाई हमने काट दिया है। तो भाई आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, और एक और पतंग अपोनेंट ने पार कर दी है। तो दोस्तों हम फिर से नीचे से भरने लग रहे हैं, अपोनेंट ने पतंग नीचे की और ये देखिए हमने पतंग एक चक्कर लिया, हल्का सा पट किया और भाई अपोनेंट भरने नहीं दे रहा, क्या चाहता भाई नीचे से वो लड़ाना चाहता क्या, नहीं नहीं भाई वो हमें नीचे से लड़ाने दे रहा। ये देखिए हम नीचे से भरे, ये देखिए भरना अभी अपोनेंट पतंग रखेगा, ये देखिए अपोनेंट ने पतंग रखी और यहीं भाई हमने बस बाहर और हल्का सा बाहर पे खींचा और अपोनेंट की पतंग कट गई। ये देखिए भाई कट के जाती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। तो भाई यहीं पे करते हैं वीडियो को बंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। वो देखिए पतंग कट के जा रहा।